नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि रामकाव्य हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम करेंगे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। इसमें 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है। चार पार्ट लेके आऊँगी, 200 क्वेश्चन पूरे लाऊंगी इसमें रामकाव्य में। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट हमारा बच रहा है कृष्णकाव्य उसको, ठीक है दोस्तों। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संदर्भ में उक्त पंक्ति के रचनाकार है। तो आपने बार बार इस पंक्ति को पढ़ा है रामकाव्य में। आप सभी को मालूम है कि समन्वय की विराट चेष्टा इनके काव्य को किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। दोस्तों, आप सभी को याद आ रहा होगा जो आपने पढ़ा है वो, ठीक है। तो इसमें है हमारा सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, श्री संप्रदाय के जो आचार्य है उनका सही कालानुक्रम पूछा है, ठीक है। उनका सही क्रम पूछा है आपसे, तो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, श्री रंगनाथ मुनि है, इनके बाद है पुंडरीकाक्ष, उसके बाद राम मिश्र है, फिर है यमुनाचार्य और लास्ट में है रामानुजाचार्य, ठीक है दोस्तों। ये क्रम बिल्कुल सही है इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों, ब्रह्म संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है वो आपको बताना है। द्वैताद्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है या फिर है विशिष्टाद्वैतवाद। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है द्वैतवाद, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान कौन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये संपूर्ण भक्ति काल के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप सभी पहले से ही जानते हो, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है, ठीक है दोस्तों। गियर्सन का पूरा नाम है जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, सीता वनवास का आधार बनाकर लिखी जाने वाली यह रचना करुण रस का साम्राज्य मानी जाती है। मतलब कि ये कौन सी रचना की बात की गई है जिसमें सीता वनवास से संबंधित है और करुण रस के साम्राज्य की बात की गई है, ठीक है, उस रचना में। तो आपको उसका नाम बताना है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है उत्तर रामचरित, ठीक है। उत्तर रामचरित है इस रचना की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर उत्तर रामचरित, ठीक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको करना है सुमिलित, ठीक है, रचनाओं को मिलाना है उनके रचनाकार से। तो देख लीजिए, ये आपको याद आ रहा होगा इस क्वेश्चन को देख के कि इसकी मैंने जब फर्स्ट वीडियो आपको डाली थी रामकाव्य की आपके सामने, तो उसमें लास्ट में मैंने एक पिक ऐड की थी जिसमें बहुत सारे रामकाव्य लिखे गए थे अलग अलग कवियों के द्वारा, जो मैंने आपको बोला था कि आपको खुद पढ़ने, वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर है, सही क्रम है वो कौन सा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उदार रागव रचना है ना, इसके जो रचनाकार है उनका नाम है साक्यमल, ठीक है। तो इसका मिलान करेंगे हम साक्यमल से, सी ऑप्शन से, ठीक है दोस्तों। अनंग राघव है ना, अनंग राघव लिखी है मुरारी ने, ठीक है दोस्तों। अनंग राघव है ये मुरारी ने लिखी है। इसके बाद है प्रसन्न राघव, दोस्तों ये जयदेव ने लिखी है, ठीक है। प्रसन्न राघव है ये जयदेव ने लिखी है। इसके बाद है उल्लास राघव, ये सोमेश्वर ने लिखी है, ठीक है। तो आपको ये मालूम हो गया, इसके हिसाब से हम हमारा कूट छांटते हैं यहाँ पे से कौन सा हमारा कूट है। तो देखिए दोस्तों, हमने फर्स्ट को मतलब ए को मिलाया किससे, सी से, ठीक है। देखिए ये ए को सी से मिला रखा है पहले वाले में, ठीक है। तो देख लेते हैं ए का सी किसमें है। तो देखिए दोस्तों, ए का सी है तीसरे में और चौथे में, दो में है ना। तो हमको आंसर का भी पता नहीं चला कि हमारा कौन सा है, लेकिन इन दोनों को काट देंगे क्योंकि ये दोनों हमारा उत्तर नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं हमने बी को किससे मिलाया था दोस्तों। तो हमने बी को ए से मिलाया था, मुरारी से, ठीक है। बी को हमने ए से मुरारी से मिलाया था। देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करती हूँ। देखिए हमने बी को किससे मिलाया था, मुरारी से मिलाया अनंग राघव को। तो देख लेते हैं बी किस में है। तो देखिए दोस्तों, बी का ए दोनों में है, यहाँ तक भी हमें उत्तर का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने सी को किससे मिलाया है, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं हमने सी को किससे मिलाया। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रसन्न राघव है ये जयदेव की है, तो हमने सी को डी से मिलाया। अब आप देखिए कि सी में डी कौन से ऑप्शन में, इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों में, तो सी में है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही काट रखे थे ना हमने। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप इसको रिपीट करके देख लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वहाँ पर छांटना है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, कूट नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको असंगत की पहचान करनी है, जो गलत है उसको छांटना है, ठीक है। तो छांट लेते हैं दोस्तों जल्दी से कौन सा गलत है। देखिए धनंजय एवं माधव भट्ट है, इनकी रचना है, उसका नाम है राघव पांडवीय, ठीक है, राघव पांडवीय है।
और देखिए दोस्तों, हरिदत्त सूरी है, इनकी रचना का नाम है राघव नैसदीय, ठीक है, राघव नैसदीय है। इसके बाद सोमेश्वर की रचना का नाम है बाल रामायण, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये बाल रामायण है ना, ये सोमेश्वर की नहीं है दोस्तों, ये है राजशेखर की। किसकी? ये राजशेखर की, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही हमारा उत्तर है, ठीक है यहाँ पे। और कुमारदास की है जानकी हरण, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये सी ऑप्शन गलत था, ये सोमेश्वर की जगह राजशेखर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये मालूम हो गया, चलो हम आगे पढ़ते। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, आश्चर्य चूड़ामणि ग्रंथ के रचयिता कौन है, ठीक है, तो आप बताइए कौन है, शक्तिप्रद है, क्षेमेंद्र है, अनंग हर्ष मातृराज है, या कुमारदास है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, शक्तिप्रद है, ठीक है दोस्तों, शक्तिप्रद है इसके रचनाकार का नाम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असंगत की पहचान करनी है, मतलब कि जो गलत है उसको छांटना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए पीरवरसेन कृत रावण वध बिल्कुल सही है दोस्तों, भभूति कृत महावीर चरित ये भी बिल्कुल सही है, दिग्नाथ कृत कुंदमाला ये भी बिल्कुल सही है, अनंग हर्ष मात्र राज द्वारा लिखी गई है रामायण मंजरी ये गलत है दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई उस रचना का नाम है उदात रामायण, ठीक है, ये रामायण मंजरी नहीं है इनकी, अनंग हर्ष की, तो ये यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, और दोस्तों जो गलत है वही हमारा उत्तर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए राम की पादुकाओं के अवतार माने जाते हैं, मतलब पादुका मतलब कि उनकी जो चप्पल थी चरण पादुका, ठीक है, उनके अवतार कौन माने जाते हैं, मतलब उनसे जन्म हुआ उनका अवतार है, तो ऐसे कौन है देख लेते हैं, कुलशेखर आलवार है, अंडाल है, भ्रांत योगी है, या फिर है सठ कौरव। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना वो है सठ कौरव, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किस जातक ग्रंथ में राम की कथा का उल्लेख मिलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो मैंने आपको जहाँ पे डिटेल में पढ़ाया वहाँ पे नहीं रखे, मैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना के लाई हूँ, क्योंकि एक एक दो दो लाइन के वो तथ्य थे, इसलिए वहाँ से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए, और ये क्वेश्चन उसी तरीके का है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें है अनामर्त जातक, ये है यहाँ पर राम की कथा मिलती है, ठीक है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से एक बार। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने अच्छे क्वेश्चन आपको एक जगह पे मुझे नहीं लगता कि उपलब्ध हो पाएंगे, हालांकि हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन लगता नहीं है मुझे कि आसानी से हो पाएंगे, क्योंकि मैं तो बहुत जगह से इनको इकट्ठा करती हूँ, फिर लेके आती हूँ, कुछ खुद बनाती हूँ, उस तरीके से आप तक लेके आती हूँ ताकि आपकी ज़्यादा मदद हो जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, माधवदास चारण द्वारा रचित रामायण कौन सी है, ठीक है, तो आप बताइए कौन सी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर बताएंगे कौन सी है, आनंद रामायण है, अद्भुत रामायण है, अध्यात्म रामायण है, या फिर भूसंडी रामायण है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अध्यात्म रामायण है, ये माधवदास चारण द्वारा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रामावत संप्रदाय का आधारभूत दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है। आपको बताना है कि रामावत संप्रदाय है, इसका आधारभूत दार्शनिक ग्रंथ है, उसका नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं कौन सा है, तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है ना वो डी है, ठीक है, वैष्णव मताज भास्कर, ठीक है दोस्तों, ये है इसका वैष्णव मताज भास्कर, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, रामानंद जी की रचना है ये, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, दसदा भक्ति के प्रणेता माने जाते हैं, दसदा भक्ति है इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, उनका आपको नाम बताना है, ठीक है, तो बताइए अग्रदास है, रामानंद है, तुलसीदास है, या रामानुजाचार्य है। तो दोस्तों इसमें हमारा सही उत्तर है रामानंद, ठीक है दोस्तों, रामानंद जी है ये दसदा भक्ति के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात, हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है तुलसी चरित के रचयिता कौन है, आपको बताना है कि तुलसी चरित जो रचना है इसके रचयिता का नाम क्या है, ठीक है, बैनी माधवदास है, माधवदास चारण है, महात्मा रघुवरदास है, या फिर गौरी शंकर द्विवेदी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है महात्मा रघुवरदास, ठीक है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, संबत 1680 गंग के तीर, आपको कुछ याद आ रहा होगा, जरूर याद आ रहा होगा, संबत 1680 गंग के तीर पंक्ति किस महाकवि के देहांत मतलब कि मृत्यु के को रूपायित करती है, ये पंक्ति है ये कौन से महाकवि है जिनकी मृत्यु को रूपायित करती है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी जानते हो कि तुलसीदास जी की मृत्यु के ऊपर लिखा गया ये पद, ठीक है दोस्तों, संबत 1680 गंग के तीर, ठीक है, आप याद रखना है इसको।
दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित भक्त कवियों का सही कालानुक्रम है, मतलब कि आपको इनको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो आपको पुरानी कहानी एक याद आ रही होगी, गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य लिखाया था जब हमने राम काव्य स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रामानंद के जो शिष्य है उनका नाम है अनंतानंद, फिर अनंतानंद जी के जो शिष्य है वो है कृष्णदास पेहारी, फिर कृष्णदास पेहारी है उनके दो शिष्य थे, एक तो कीलदास और एक अग्रदास, ठीक है दोस्तों। और अग्रदास के जो शिष्य थे वो है नाभादास, ठीक है। तो उसी के क्रम में ये यहाँ आपसे पूछा गया है। और कीलदास जी जो थे उनके जो शिष्य का नाम है वो है द्वारकानाथ, ठीक है। इस तरीके से ये परंपरा थी हमारी। तो हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा यहाँ पे कूट सही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये क्यों सही है मैं आपको बताती हूँ। रामानंद जी है ये अनंतानंद के गुरु है, ठीक है दोस्तों। और अनंतानंद जी है ये कृष्णदास पेहारी के गुरु है, ठीक है। और देखिए कृष्णदास पेहारी है इनके जो शिष्य थे ना दोस्तों उनका नाम है एक का कीलदास और अग्रदास, और यहाँ किसी भी सीक्वेंस में उनका नाम नहीं दिया है, उनके मतलब अगले चरण के जो शिष्य थे उनका नाम दिया है। तो उसके बाद जो अग्रदास जी है उनके शिष्य का दास मतलब उनके शिष्य का नाम है नाभादास। तो इसी तरीके से हमारा ये वाला कूट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको चीज़ों को ना लिंक करके अच्छे से पढ़ना है, कौन मतलब कौन किसके गुरु है, कौन किसके शिष्य है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, और हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रामाष्टम ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, ठीक है। इसके रचयिता का आपसे नाम पूछा गया है, तो बताइए कौन है। रामानंद है, अग्रदास है, ध्रुवदास है, ईश्वरदास है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ये है अग्रदास, ठीक है। अग्रदास है रामाष्टम जो रचना है इसके रचनाकार का नाम, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए रामानंद द्वारा रचित कृति नहीं है, मतलब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कृति है जो रामानंद जी की नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सी नहीं है, आपको तो मालूम होगा। तो देखो एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। राम रक्षा स्रोत इनकी है दोस्तों, वैष्णव मताब्ज भास्कर मैंने अभी बताया था आपको ये भी इनकी है दोस्तों, राम भजन मंजरी है ये इनकी नहीं है, ये किसकी है मैं आपको बता देती हूँ, ये है अग्रदास की, ठीक है। ये अग्रदास की रचना है, और श्री रामार्चन पद्धति ये भी रामानंद की है, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया कि तीन रचना रामानंद की है और ये है अग्रदास की, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, वह राम भक्त कवि जो एक सूफी कवि भी रहे हैं। तो आपने अभी अभी सूफी काव्य को थोड़े दिन पहले ही पढ़ के ख़त्म किया है, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ईश्वरदास जी है ये सूफी कवि भी है और राम भक्त कवि भी है, ठीक है। ये ऐसे एकमात्र कवि है जो सूफी कवि भी है और राम भक्त कवि भी है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के किस स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके हनुमान बाहुक जो ग्रंथ है इसका स्वतंत्र रूप से उल्लेख नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। तो इस रचना के बारे में बोला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के हनुमान बाहुक जो ग्रंथ है इसका मतलब स्वतंत्र रूप से उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा उत्तर है ये सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि तुलसीदास जी के व्यक्तिगत जीवन पर सर्वाधिक प्रकाश डालने वाली कृति है। तो आपको याद होगी बहुत ज़्यादा अच्छे से कि अगर आपको राम भगवान के बारे में जानना है तो आपको रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, और अगर आपको तुलसीदास जी के बारे में जानना है, उनके बारे में जानने की इच्छा है, तो आपको विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि तुलसीदास जी के व्यक्तिगत जीवन पर सर्वाधिक प्रकाश डालने वाली कृति मतलब तुलसीदास जी के बारे में जानने की बात हुई है तो विनय पत्रिका है, अगर राम भगवान के बारे में बात की जाती तो हम रामचरितमानस बताते, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा है आपसे कि तुलसीदास जी के शास्त्रीय गुरु कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात याद आ रही होगी, बहुत अच्छे से याद आ रही होगी कि इनके जो गुरु है ना उनका नाम तो बाबा नरहरिदास है, ठीक है। और ये बाबा नरहरिदास है ना ये एक दिन तुलसीदास जी को काशी लेके गए थे, ठीक है। और वहाँ पे इनको मिले थे कौन, ये मिले थे शेष सनातन जी, ठीक है। ये मिले तो इन्होंने देखा कि इस बच्चे की बुद्धि तो बहुत कुशाग्र है, ये बच्चा बहुत ही मतलब मेधावी बच्चा जो होता है, प्रतिभाशाली बच्चा उस तरीके का है। तो इन्होंने कहा शेष सनातन जी ने बाबा नरहरिदास से कि आप इस बच्चे को कुछ दिनों के लिए यहाँ पे छोड़ के जाइए, मैं इनको वेद की, वेदांग की, दर्शन की, इतिहास की और पुराण की शिक्षा देना चाहता हूँ। तो फिर ये जो नरहरिदास जी है ये इनको वहाँ पे छोड़ के आ गए तुलसीदास जी को। तो ये महात्मा शेष सनातन जी है, इन्होंने तुलसीदास जी को वेद की, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण इन सभी की शिक्षा दी थी।
इसीलिए दोस्तों इनको तुलसीदास जी का शास्त्रीय गुरु कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था लेकिन यहाँ पे फिर से बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है आपसे, तुलसीदास जी की कौन सी रचना अवधि भाषा में नहीं है। तो दोस्तों आपको है ना, मैंने सभी रचनाएं जब पढ़ाई है तो अच्छे से बता दिया कि कौन सी रचना की कौन सी भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सी रचना है जो अवधि भाषा में नहीं लिखी गई है। ठीक, तो बताइए दोस्तों कौन सी रचना है ऐसी जिसकी भाषा अवधि नहीं है, बताइए। बरबीर रामायण है, जानकी मंगल है, विनय पत्रिका है या फिर है पार्वती मंगल। तो दोस्तों आपको याद आ रही होगी कि विनय पत्रिका है, इसकी भाषा अवधि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी है इसकी भाषा बताइए, अवधि नहीं है तो कौन सी है इसकी भाषा, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं देखना चाहती हूँ आपको चीज़ें कितनी याद है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि तुलसीदास कृत मुक्तक काव्य है, मतलब कि इन सभी में से कौन सा ऐसा काव्य है जो मुक्तक है। ठीक है, तो बताइए रामचरितमानस है, कवितावली है, पार्वती मंगल है या फिर है जानकी मंगल। तो दोस्तों कवितावली है, ये मुक्तक काव्य है। ठीक है दोस्तों, कवितावली मुक्तक काव्य है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि तुलसीदास जी को रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये रटा हुआ है, इसका उत्तर तो बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं कि इसको लिखने में इनको समय लगा था 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का। ठीक है दोस्तों, 26 दिन, और देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर देना है। यहाँ पर दिन नहीं लिखे ऑप्शन में तो आपको एक्स्ट्रा नहीं जाना है। ठीक है, इसीलिए जितना ऑप्शन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। चलो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, सूर सागर के भाव पदों के अनुकरण पर तुलसीदास जी ने कौन सी रचना लिखी, मतलब कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि सूर सागर जो सूरदास जी का है उसके भाव पदों का अनुकरण करके, उनसे मतलब कुछ सीख करके फिर तुलसीदास जी ने कौन सी रचना लिखी, मतलब कि कौन सी रचना है जिसको लिखा था तुलसीदास जी ने। तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको मालूम होगा जहाँ पे हमने इनकी जितनी भी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की उनको डिटेल में पढ़ा है, वहाँ पे आपको बताया कि गीतावली है, इसको इन्होंने लिखा है सूर सागर का अनुकरण करके। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ठीक है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, उनका आपको नाम बताना है। तो बताइए जल्दी से, गोरखनाथ जी है, कबीरदास जी है, तुलसीदास जी है, नावादास जी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखी है ये पंक्ति। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, कली कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरी पंक्ति के प्रयोक्ता कौन है। दोस्तों ये जो पंक्ति है इसको कौन से कवि ने लिखा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बताइए किसने लिखा है, दोस्तों कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने, सूरदास ने या फिर तुलसीदास जी ने। तो दोस्तों इसको लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, तुलसीदास इसमें बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, देखिए राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएँ हुई, ठीक है, मतलब सब तरह की रचनाएँ वहाँ पर लिखी गई है। पंक्ति किस आलोचक की है, मतलब ऐसा कौन सा आलोचक है जिसने ये पंक्ति लिखी है, ठीक है, उनका नाम बताना है। नागेंद्र ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है ये, ठीक है, कि राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएँ लिखी गई है, ठीक है, सभी प्रकार की रचनाएँ हुई हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं करवाया वहाँ पे क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं इसको क्वेश्चन आंसर में करवाऊँगी आगे। और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि अलग अलग भाषाओं की यहाँ पे रामायण लिखी गई है और ये 5 ही रामायण लिखी गई है अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये किसने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी मैंने मिलान करके आपके लिए लिखा है क्योंकि कूट के रूप में लाती तो हो सकता है आपको उलझन हो जाती, इसीलिए मैं इस तरह से लाई हूँ। तो देखिए दोस्तों रंग रामायण है ये तेलुगु भाषा की है, ठीक है, कृतवासी रामायण है ये बंगला भाषा की है, कंब रामायण है ये तमिल की है, भावार्थ रामायण है ये मराठी की है और मंगल रामायण भी मराठी की है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने स्टार क्यों लगाया है, यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए लगाया है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है ना दोस्तों, उन्होंने जो राम की शक्ति पूजा लिखी है ना वो इस रचना से प्रभावित होकर लिखी है। और बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राम की शक्ति पूजा की रचना कवि निराला ने कौन सी रचना से प्रभावित होकर, कौन से कवि की रचना से प्रभावित होकर लिखी है। ठीक है, तो ये कृतिवासी रामायण है बंगला की, इससे प्रभावित होकर लिखा है, कृतवास की है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे ना आपको एक बात और बता देती हूँ,
डॉक्टर कुमार विश्वास को तो आप सभी जानते हो, उन्होंने अभी एक अपने अपने राम करके एक रचना लिखी है, ठीक है दोस्तों। उसमें उन्होंने ये जितनी भी भाषाओं की रचना है ना, सभी का बहुत ज़्यादा अच्छे से अध्ययन किया है और सभी में से कुछ ना कुछ जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो अपनी रामायण में उन्होंने रखी है, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें। इसके अलावा और भी हमारे उर्दू के और बहुत बड़े बड़े और भी कवि हैं, उनकी भी मतलब कुछ रचनाएं हैं जिनसे उन्होंने पंक्तियां लेके उसमें लिखा है और काफ़ी अच्छा मतलब लगता है। आप सुनना उनको, उन्होंने काफ़ी अच्छी वीडियो बना के उसके ऊपर डाल रखी है, देश विदेश में हर जगह सुनाते हैं वो उसको। मैंने भी सुना है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी, अच्छे प्रेरक प्रसंग है और शायद उसमें से एक दो मैंने आपको बीच बीच में कई बार सुनाए भी होंगे, तो आप उनको याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलो हम आगे चलते हैं, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि में और ब्रज भाषा में रामायण की रचना किसने की। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रज भाषा वाला, क्योंकि ये एक अनोखा क्वेश्चन है जो बार बार एज इट इज इसी रूप में आता है अगर आता है तो, ठीक है। तो आपको इसको डायरेक्ट याद कर लेना है कि किसने लिखी है। तो दोस्तों, गुरुमुखी लिपि है और ब्रज भाषा है, इसमें रामायण लिखी है किसने, कर्पूर चंद्र खत्री ने, ठीक है दोस्तों। कर्पूर चंद्र खत्री है, इन्होंने लिखी है, तो आप ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव्य भय दारुणु, पंक्ति तुलसीदास जी की किस रचना से उद्धृत है, मतलब कौन सी रचना से ली गई है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मालूम होगा कि विनय पत्रिका से ली गई है ये पंक्तियाँ, ठीक है दोस्तों। चलो हम आगे पढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, अग्रदास द्वारा रचित कृति नहीं है, आपको बताना है कि इन चारों में से अग्रदास की कौन सी रचना है जो नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। हितोपदेश भाषा है, उपासना बाबनी है, ध्यान मंजरी है, या फिर है रामाष्टक। तो दोस्तों, ये रामाष्टक है ना, ये अग्रदास जी की रचना नहीं है, ये तो रामानंद की रचना है, ठीक है। आप इसको याद रखना, ये रामानंद जी की रचना है, बाकी की ये तीनों रचना है ये अग्रदास की है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मैंने स्टार करके इसको पहले भी लिखा रखा है, लेकिन आप याद रखना अग्रदास जी ने किया, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लिए आ सकता है ये, ठीक है। राम भक्ति परंपरा है, उसमें रसिक भावना का समावेश किसने किया है, तो अग्रदास जी ने किया है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है रामचरितमानस के जो कांड है उनका सही क्रम, ठीक है। और अगर आपको जो सात कांड है उनका सही क्रम याद होगा तभी आप इसको कर पाओगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे पहले कांड से ही क्रम पूछे, हो सकता है आगे के तीन छोड़ के फिर चौथे नंबर के से पूछ ले, या फिर आगे के दो छोड़ के फिर पूछ ले, तो कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं, आपको क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले बालकांड था, उसके बाद अयोध्या कांड था, उसके बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और लास्ट में था उत्तरकांड, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा सही है हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बालकांड से आपकी शुरुआत नहीं हो रही है, ठीक है, बालकांड से नहीं हो रही है, ना ही आपको कहीं पर अयोध्या कांड दिख रहा है इन सभी में, आपकी शुरुआत हो रही है अरण्य कांड से, क्योंकि अरण्य कांड आपको दिख रहा है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है अरण्य कांड। तो देखिए अरण्य कांड किस किस में है, इन दोनों में है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन सा अरण्य कांड के बाद कौन सा आता है दोस्तों, किष्किंधा कांड आता है, ठीक है। देखिए सुंदरकांड तो आता नहीं है, तो ये भी यहाँ पे कट गया, और ये दोनों इसलिए कट गए क्योंकि ये तो मतलब डायरेक्ट ही इनकी स्टार्टिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो आपको उत्तर वैसे ही डायरेक्ट में ही मिल गया कि फर्स्ट ऑप्शन इसका उत्तर है, लेकिन आप एक बार पूरा क्रम पढ़ लीजिए। अरण्य कांड है, इसके बाद किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड है, सुंदरकांड के बाद लंका कांड है, और इसके बाद में भी दोस्तों उत्तरकांड है। अब आप ये देखिए कि एक तो बाद वाला छोड़ दिया है और दो आगे वाले छोड़ दिए, और आपसे बीच में से पूछ लिया, इसीलिए आपको सातों का अच्छे से क्रम याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों नेट जेआरएफ में, तो आपको ये याद रखने, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, आरती कीज हनुमान लला की सुप्रसिद्ध आरती है, इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों इस आरती के रचयिता है रामानंद जी, ठीक है, रामानंद जी ने लिखी है ये आरती। चलो आगे पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा है कि भरत मिलाप और अंगद पेज प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनके रचयिता का नाम क्या है। तो मैं आपको हिंट बता दूँ इसकी कि जो हमारे सूफी काव्य के कवि है और भक्ति काव्य में भी, मतलब कि राम काव्य में भी वो लिखते हैं, वो ही कवि है यहाँ पे ईश्वरदास जी, ठीक है। इन्होंने दो ग्रंथ ये लिखे हैं राम काव्य के ऊपर, भरत मिलाप और अंगद पेज, ठीक है। तो आप ये दोनों ग्रंथों के नाम याद रखना, ईश्वरदास जी के हैं ये, ठीक है दोस्तों।
चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, तुलसीदास द्वारा रचित ज्योतिष विषयक रचना कौन सी है। दोस्तों इनकी एक रचना ऐसी है जो ज्योतिष से संबंधित है, मतलब ज्योतिष विषय है उसमें, तो वो कौन सी ऐसी रचना है उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी है। रामज्ञा प्रश्नावली है, हनुमान बाहुक है, कृष्ण गीतावली है, वैराग्य संदीपनी है। तो दोस्तों आपको याद आ रहा होगा कि रामज्ञा प्रश्नावली है। ठीक है दोस्तों, ये रचना है जो मतलब इसमें ज्योतिष वाला विषय है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम इसके बाद में क्या पूछा गया हमसे। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया असंगत की पहचान करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं दोस्तों। राम सत्सही है इसमें 747 दोहे है, ये सही है। गीतावली में 328 है, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों विनय पत्रिका में है 379, नहीं दोस्तों 379 तो नहीं है, 279 ज़रूर है। तो ये यहाँ पे असंगत हो जाएगा और जो संगत है वही हमारा उत्तर माना जाएगा। ठीक है, हनुमान बाहु के इसमें 44 छंद है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये गलत है, इसका जो सही उत्तर है वो तो 279 है, तो आप इसको याद रख लेना। चलो आगे पढ़ते दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास कृत कौन सी रचनाओं का युग में ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी रचनाएँ जो सिर्फ ब्रज भाषा की है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ना ये मालूम होना चाहिए कि इनकी कौन कौन सी रचना तो अवधि भाषा में लिखी गई है, कौन कौन सी ब्रज भाषा में लिखी गई है, उसके बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी लिखी गई है। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही है हमारा। गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये चार रचना है ये लिखी गई है हमारी ब्रज भाषा में। ठीक है, तो आप इसको देख लेना एक बार, मैंने जहाँ पर लिखवाया वहाँ कि कौन कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है, कौन कौन सी अवधि भाषा में, उसके हिसाब से आप इसका उत्तर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो एक जगह लिख लेना स्पष्ट तौर पे कि ये ब्रज भाषा की है, ये अवधि भाषा की है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। तुलसीदास जी की कौन सी रचना चिट्ठी पत्रिका अर्जी के रूप में लिखी गई है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि विनय पत्रिका की बात हो रही है, ये विनय पत्रिका है जो अर्जी के रूप में लिखी गई है। ठीक है, राम भगवान के दरबार में भेजने के लिए लिखी थी इन्होंने ये। विनय पत्रिका में किस रस की प्रधानता मिलती है। अब आपको बताना है कि विनय पत्रिका रचना है इसमें कौन से रस की प्रधानता मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें शांत रस की प्रधानता मिलती है। ठीक है, शांत रस की इसमें प्रधानता है। और राम काव्य में अगर हम देखें कि कौन सा रस प्रधान है, तो शांत और श्रृंगार दोनों रस इसमें प्रधान है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है आपके लिए, राम काव्य का प्रधान रस कौन सा है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि शांत और श्रृंगार रस है, ये दोनों रस यहाँ पे प्रधान है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, देखिए तुलसीदास जी की कौन सी रचना युगीन सामाजिक सांस्कृतिक आलोचना की जीवंत अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की ऐसी है जो हमारे युगीन सामाजिक सांस्कृतिक आलोचना है उसकी जीवंत अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये कवितावली की बात है, कवितावली रचना है जिसमें जीवंत अभिव्यक्ति होती है किसकी, सामाजिक और सांस्कृतिक आलोचना की। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, तुलसीदास जी की वह रचना जो 7 कांडों में विभाजित नहीं है। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से एक रचना है जो 7 कांडों में विभाजित नहीं है। ठीक है, बाकी की 3 है जो 7 कांडों में विभाजित है, 7 कांडों की बात हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। तो दोस्तों बरवे रामायण है ये है, कवितावली भी है, गीतावली भी है, ये तीनों रचनाएं हैं ये 7 कांडों में विभाजित है। लेकिन ये रामज्ञा प्रश्नावली है ना दोस्तों, ये 7 कांडों में विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये 7 सर्गों में विभाजित है। ठीक है, 7 सर्गों में विभाजित है, तो ये आप इसको याद रखना, रामज्ञा प्रश्नावली। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, सोहर या हंस गति छंद में रचित कृति है। मतलब आपको बताना है कि सोहर में या फिर हंस गति छंद में रचित कृति कौन सी है। तो दोस्तों सोहर का नाम पढ़ते ही आपको मालूम आ गया होगा कि रामलला नौछू है। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक रिवाज होता है उसके बारे में बताया था, और मैंने आपसे पूछा भी था दोस्तों कि आपको किसी को भी अच्छे से मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आपने, हो सकता है मैंने जहाँ पर पूछा है वहाँ तक वीडियो नहीं देखी हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी बिहार उधर से मतलब वहाँ के हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी आपने मुझे बताया नहीं, गलत बात है, मैं नाराज़ हूँ आपसे। चलो आगे पढ़ते हैं। नाराज़ हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई तो करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, तुलसीदास जी की कौन सी रचना का नाम दोहावली रामायण भी मिलता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रामज्ञा प्रश्नावली है, इसका नाम मिलता है दोहावली रामायण। ठीक है, ये इस नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये आप याद रखना
इसके बाद हमारे दो क्वेश्चन और हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, सूरसागर के किन स्कंदों में राम कथा वर्णित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरसागर आपको मालूम है कि ये लिखा है सूरदास जी ने, ठीक है, लेकिन इसके कौन कौन से ऐसे स्कंद है जिसमें राम भगवान की कथा का वर्णन है। तो दोस्तों प्रथम और नवम स्कंद है, ठीक है, इसमें इन दोनों में यहाँ पर राम कथा का वर्णन है सूरसागर में, ठीक है, तो आप ये याद रखना। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है इसमें। देखिए, काम ही प्यारी जिमी नारी अंतिम उपमा तुलसीदास कृत किस रचना में प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस है इसमें सही उत्तर। और हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और दोस्तों मैं इसमें 200 क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन भी ला सकती हूँ लेकिन 200 तो लाऊँगी ही लाऊँगी, ठीक है, तो आप ये याद रखना। और दोस्तों हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है, ओके, बाय बाय।